हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विंडो बनाना सीखेंगे कि पाइथन में किस तरीके से विंडो बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग विंडो बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इम्पोर्ट माया डॉट सी एम डी एस एज सी एम डी। सो ये हमारा फर्स्ट कमांड हो गया जो सबसे पहले हम लोग रन करते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सी एम डी डॉट विंडो, और उसके बाद जो विंडो का फ्लैग आता है हम लोग क्विक हेल्प में देखेंगे। तो ये देखिए बहुत सारे फ्लैग हैं हमें दिख रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को जो फ्लैग यूज़ करना होगा, जो भी फ्लैग उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम टाइटल फ्लैग यूज़ करेंगे। टाइटल फ्लैग क्या होता है? जो विंडो का नाम होता है उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। जो नाम होगा 3D नॉलेज होगा, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 3D नॉलेज ये कोटेशन के अंदर। देखिए येलो कलर का ये हो गया, तो येलो कलर का हो गया इसका मतलब जो हमारा येलो कलर में होता है वो होता है हमारा टाइटल, वो नाम होता है। इस तरीके से लिखेंगे, येलो कलर में आएगा। उसके बाद हम लोग हाइट, जो विंडो का हाइट होगा क्या होगा, तो हम लोग फ्लैग में देखते हैं। तो फ्लैग को हमेशा चेक करना चाहिए कि फ्लैग में किस तरीके का हमारा जो कमांड है वो दिया हुआ है। तो फ्लैग में देखिए हमारा हाइट जो है इंटीजर टाइप है। इंटीजर मतलब हम कोई वैल्यू दे सकते हैं। तो हम वैल्यू देने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू, अब जो हमें वैल्यू देनी है जो हमारी हाइट है वो मैंने दे दी है 300 पिक्सल, और जो हमारा विड्थ है उसको भी मैंने दे दिया है। देखिए यहाँ पे भी विड्थ जो है इंटीजर है, उसको 250 दे दिया है। उसके बाद हमारा जो है जितने हमें फ्लैग यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, जितने हमें यहाँ पे दिख रहे हैं फ्लैग। उसके बाद जो हम विंडो को रिसाइजेबल करना, रिसाइजेबल मैं अभी बताऊँगा जब हमारा विंडो बनेगा। तो इसको मैंने ट्रू कर दिया। साइजेबल में जाएंगे तो ऑन ऑफ होगा जो इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे इंटीजर नहीं है, ऑन ऑफ या ट्रू और फॉल्स दे सकते हैं, इस तरीके का होता है। 0, 1, ट्रू फॉल्स इस तरीके से हमारा चलता है जो कमांड है रन करेगा रिसाइजेबल के लिए। उसके बाद हम लोग दूसरा कमांड लिखेंगे यहाँ पे सी एम डी डॉट कमांड लिख रहे हैं तो हमारा पॉपअप होके आ रहा है कि किस कमांड को हम लोग लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ गया सो विंडो। तो हम एग्जीक्यूट करें तो ये हमें बता रहा है कि जो हमारा लाइन नंबर 3 है, देखिए पहला लाइन हमारा हो गया इम्पोर्ट माया डा सी एम डी एस एज सी एम डी, दूसरा हमारा ब्लैंक है, तीसरे लाइन में हमें एरर शो कर रहा है। तो अब हम तीसरे लाइन में एरर को हम लोग चेक करेंगे। सबसे ज़रूरी है कि हमें एरर फाइंड आउट करना सीखना चाहिए कि हमें जिस लाइन में बता रहा है उसमें एरर क्या है। तो हम लोग चेक करेंगे कि एरर कहाँ है। तो ये देखिए जो हमारा एरर है रिसाइजेबल की, जो हमने स्पेलिंग में मिस्टेक कर रखी है, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। अब देखिए रन करता हूँ इसको, तो ये हमारा देखिए रन हो गया। रिसाइजेबल का मतलब क्या होता है? देखिए विंडो जो हमारा है उसको हम रिसाइज कर सकते हैं। अब मैंने इसको फॉल्स कर दिया, तब ये देखिए ए रिसाइज नहीं होगा, था इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था वो देखिए 3D नॉलेज वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये विंडो बन गया। विंडो को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बटन बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से बटन का यूज़ करते हैं और उसके अंदर कोई कमांड को रन करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।